तो क्या देश के अन्य अपराधों में विश्व भर में वांछित ऐसे भगोड़े अपराधियों के प्रति भी ये सरकार इसी प्रकार का रवैया रखेगी और भारतीय जनता पार्टी सभी अपराधियों के लिए ऐसा व्यवहार रखेंगे? पुर्तगाल में इलाज कराने के लिए किसी भी प्रकार के स्पाउस के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये पुर्तगाल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट की उद्घोषणा है। 14 वर्ष से कम आयु के अगर किसी माइनर का कोई ऑपरेशन है तो उसमें जरूर आपके पेरेंट की आवश्यकता है, तो इसमें झूठ बोला गया है। दूसरे, निजी चार्टर विमानों से 6-6 देशों में बड़ी बड़ी नियोमी कैम्बेल जैसी बड़ी नामी हस्तियों के साथ घूमना और भ्रमण करना किस प्रकार के मानवतावादी उद्योग में काम आता है, ये अमित शाह जी को इस देश को बताना चाहिए कि और क्या क्या मनुष्यतावादी विमर्श क्या क्या किए जा सकते थे जो ललित मोदी जी ने छोड़ दिए। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि क्या ऐसा तो नहीं है जैसे पहले देश के गृहमंत्री के पुत्र के बारे में एक अफवाह की खबर का अवांछित खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया और उसके बाद से गृहमंत्री लगभग बैकफुट पर है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। सुषमा स्वराज जी को टारगेट करने के लिए पीएमओ या उस स्तर के किसी व्यक्ति के द्वारा ये कराया गया काम आज उन्हें टारगेट कराने के लिए किया जा रहा हो। सुषमा जी देश की बहुत महत्वपूर्ण राजनेता है, उनकी विद्वत्ता उनका कद देश की सभी पार्टियों में समादृत है। हम बाकी पार्टियों की तरह जो बाकी एक विपक्ष की राजनीति होती है इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, क्योंकि अन्यथा ऐसा होता है कि आजकल हमारे भाजपा के मित्रों को दिल्ली में अगर दाल में नमक भी कम हो तो वो दोपहर तक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग लेते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सुषमा स्वराज जी देश के सामने आकर इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात स्पष्ट करें, क्योंकि अगर हम पूरे विश्व में ऐसे गंभीर आर्थिक अपराधों के प्रति इतने सहिष्णु दिखाई देंगे कि एक वांछित भगोड़ा अपराधी जिसे भारत में इतने सारे टैक्स का नुकसान करने, भारत के वित्तीय बजट को गड़बड़ करने का जिसके प्रति अपराध है, वो व्यक्ति अगर सीधे संपर्क में आता है विदेश मंत्री के और विदेश मंत्री तात्कालिक कार्रवाई करती हैं, तुरंत कार्रवाई करती हैं, तो ये हमारी अपराधों के प्रति सहिष्णुता को दिखाता है। देश की विदेश मंत्री की पुत्री चूँकि इस भगोड़े अपराधी ललित मोदी जी का मुकदमा लड़ती रही हैं, इसलिए ये क्विडप्रोको में भी आता है, इस पर भी उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोई भी लॉयर किसी का भी मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन अगर ये सवाल जनमानस के मन में है कि उनके परिवार के लोग जिनमें उनके पति द्वारा कराया गया एक कथित एडमिशन और उनकी पुत्री द्वारा अनेक अवसरों पर लगभग सभी अवसरों पर दिल्ली हाईकोर्ट में और अलग जो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ उनके काउंसिल के रूप में खड़ा होना भी गंभीर प्रश्न उठाता है। हम सुषमा जी से अनुरोध करते हैं, देश की विदेश मंत्री से अनुरोध करते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक तरफ तो हम बार बार कहते हैं कि हम दाऊद को पकड़ कर लाएंगे, हम बार बार कहते हैं कि भारत में अपराध करके आप विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं है भागकर, और उस समय हम एक ऐसे व्यक्ति को जो भारत का गंभीर अपराधी है, भगोड़ा है, जिसको ढूंढ रही है, जिसके बारे में कोर्ट ने लिखा है, ईडी ने लिखा है कि जैसे ही भारत में प्रवेश करे उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वो व्यक्ति अगर लाभ लेता है, इस तरह के लाभ लेता है, घूमने फिरने के लाभ लेता है, क्योंकि आज की तिथि में भी वो वेनिस में है, वहाँ से उन्होंने एक निजी चैनल को संबोधित किया है, बताया है, इस पर वो निश्चित रूप से जवाब दें। और हम उम्मीद करते हैं कि देश की छवि को ध्यान में रखते हुए, देश की छवि के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सुषमा जी अपनी सफाई देंगी, क्योंकि अगर वो विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा देती हैं तो विदेश मंत्री का पद को इतना बड़ा नहीं है कि सुषमा जी की छवि और उनके काडर के आड़े आता हो, वो वैसे ही देश की बहुत बड़ी राजनेता हैं। इसमें कौन पीछे से इन्वॉल्व है, किसने उनको इस बात के लिए कहा गया, तो क्योंकि इतना बड़ा निर्णय बिना पीएमओ के संज्ञान में हुआ होगा ये माना नहीं जा सकता। निश्चित रूप से इतना बड़ा निर्णय लेना, इतनी बड़ी कॉल लेना, यदि सुषमा जी ने निजी हैसियत से लिया तो भी वो बताएं कि निजी हैसियत से लिया, अपराध उनका है, गलती उनसे हुई, हो सकती है मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें सुषमा जी के कंधे का इस्तेमाल करके अपने स्कोर सेट किए जा रहे हैं भाजपा के अंतर्गत, जो कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, पहले दिन से जब से सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह की शिकार भारत की प्रशासनिक अवस्थाएं हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी देश की विदेश मंत्री इस पर आकर अपना बयान देंगी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपराध के प्रति जो हमारी असहिष्णुता है उसे पुष्ट करेंगे। देखिए, पिछली बार भी जब गृहमंत्री जी का प्रस्ताव हुआ था, गृहमंत्री जी के पुत्र के बारे में कथित अफवाह का खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया जो कि पब्लिक डोमेन में इतनी ज्यादा थी नहीं, उस दिन के बाद से देश के यशस्वी गृहमंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी की आभा में काफी क्षरण हुआ है। वो जो उनके दूसरे नंबर की पोजिशन थी वो काफी नीचे चली गई है। जो लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक क्रिया व्यवहार से परिचित हैं वो जानते हैं कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इस प्रकार के स्कोर के साथ सेटल करते रहे हैं, तो ये भी हो सकता है ये पीएमओ की जानकारी में कोई प्रश्न रहा हो, वहां से कोई दबाव रहा हो,
और उसके बाद उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था, और जिस तरह से इस जगह पर खड़ा करने के बाद पूरी पार्टी उनके समर्थन में आई है, ये बहुत गंभीर सवाल है कि एक ईडी का ऐसा अपराधी सीधे विदेश मंत्री को कहता, न केवल कहता है बल्कि वो ब्रिटेन में अपने काउंटर पार्ट को सूचित करता है कि मैं ये अभी कराने वाला हूं, मैं करा लूंगा। वो इतना आश्वस्त है अपनी कार्यवाही के बारे में कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं ये करा लूंगा, और वो 24 घंटे के अंदर अंदर करा लेता है। तो भ्रष्टाचारियों, देश के पैसे को लूटने वालों, फरार अपराधियों के प्रति अगर सरकार इतनी सहज है, इतने उनके संपर्क में तुरंत आ जाती है, तो ये देश के लिए बहुत खराब क्षण है। मैं उम्मीद करता हूँ, आम आदमी पार्टी उम्मीद करती है कि सारी राजनीति को अलग रखते हुए आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जो देश की विदेश मंत्री के अतिरिक्त देश की एक सम्मानित राष्ट्रवादी नागरिक हैं, राष्ट्रीय मूल्यों के लिए सदा लड़ती रही हैं, वे कृपा पूर्वक देश के सामने आएंगी और राष्ट्रीय अस्मिता के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न को तुरंत संबोधित करेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।